क्या आपको कभी बचपन में मिट्टी खाने के लिए डांट पड़ी है? क्या आपने देखा है कि किस तरीके से अगर एक छोटा बच्चा गलती से मिट्टी को अपने मुंह के पास भी लेकर आए तो उसके माँ बाप ऐसे दौड़ने लग जाते हैं जैसे दुनिया में प्रलय आ गया। और हम ये सब जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि मिट्टी खाना किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि क्या वाकई किसी व्यक्ति को जानबूझकर मिट्टी खिलाई जाती हो? जी हाँ, भारत के कई ऐसे भाग हैं जहाँ पर गर्भवती महिलाओं को मिट्टी खिलाई जाती है, लेकिन इसमें भी एक कैच है। कच्ची मिट्टी नहीं खिलाई जाती, पकाकर मिट्टी खिलाई जाती है। जी हाँ, जरा सोच कर देखिए कि छोटे बच्चों को तो मिट्टी खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मिट्टी पका पका कर खिलाई जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये क्यों होता है? नहीं सोचा तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम मिट्टी की गहराइयां नापने वाले हैं। ये भारत में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन अंधविश्वास है कि गर्भवती महिलाओं को मिट्टी को पकाकर खिलाया जाता है, इस विश्वास के साथ कि उस मिट्टी की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, इसे आप जरा ठीक से समझिए। लोगों का ये मानना होता है कि मिट्टी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, और साथ ही साथ जब एक महिला अपनी गर्भावस्था के दौरान मिट्टी को खाती है तो बच्चे को भी मिट्टी के वो पौष्टिक तत्व मिलते हैं, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गर्भ में ही बच्चे को मिल जाते हैं, इसलिए बहुत सारी बीमारियों से वो सुरक्षित भी हो जाते हैं। और मिट्टी को पकाने का लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर मिट्टी में ऐसा कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है जो कि महिला को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए मिट्टी को पका दिया जाता है ताकि गर्मी की वजह से वैसे सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो मर जाए। लेकिन महिला को यही सोचकर वो मिट्टी खिलाई जाती है कि वो इम्यूनिटी पावर जो है बच्चे की कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत फैसला है, क्योंकि मिट्टी खाने के अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। नुकसानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद बताते बताते चार सीरीज में एपिसोड ही बनाने पड़ जाए। लेकिन कुछ जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आती है कब्ज़ की परेशानी। बहुत लोगों को मिट्टी खाने की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, बहुत लोग कब्ज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में मिट्टी की वजह से और तरह तरह के इन्फेक्शन्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, मिट्टी आप कहाँ की खा रहे हैं इस पर भी ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े मकौड़े और ये सब कुछ भी रहते हैं, और अगर गलती से मिट्टी खाने के दौरान वो कीड़े भी आपके पेट के अंदर चले जाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या कुछ करामात कर सकते हैं, ये बात भी अकल्पनीय है। क्योंकि जिस तरीके के इन्फेक्शंस मिट्टी में मिल सकते हैं, अगर वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं तो आपका शरीर शायद उतना तैयार भी ना हो कि उस इन्फेक्शन से लड़ पाए। इसीलिए जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा वो अलग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होगा अलग। पेट में दर्द की समस्या तो इतनी ज़्यादा आम है मिट्टी खाने की वजह से कि आप इसका आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मिट्टी खाना बहुत सारी बीमारियों का घर है। ऐसे में अगर गर्भवती महिलाओं को मिट्टी खिलाई जाती है तो आप खुद में सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक मूव है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग बहुत वक्त से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के पीछे, ऐसे पका पका कर मिट्टी खिलाने के पीछे का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चा गर्भ से ही बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना केवल गर्भवती महिला के लिए मिट्टी खाना जहर खाने के बराबर हो सकता है, लेकिन वो आने वाले बच्चे की जान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मिट्टी खाने के लिए जिस तरीके से हम बच्चों को रोकते हैं, वही समझदारी हमें बड़े लोगों में भी दिखानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ये कहीं देखते हैं कि गर्भवती महिला को पकाकर मिट्टी खिलाई जा रही है बच्चे के स्वास्थ्य के नाम पर, तो आप उन्हें समझाएं कि ना केवल आने वाले बच्चे के लिए लेकिन उस औरत के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये थोड़ा भारी ज्ञान हो गया मैं जानती हूँ, लेकिन ये ज्ञान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए मैसेजेस किए थे कि इस एक अंधविश्वास के पीछे क्या सच्चाई है, ये आप ज़रूर पहुँचाएं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लाइव सिटीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।